हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल। देखिए, आज हमने टॉपिक उठाया पर्यावरण संबंधित जितना भी कन्वेंशन हुआ है, प्रोटोकॉल हुआ है, संधि हुआ है, यहाँ से प्रत्येक जनसन को सवाल है। चाहे यूपीएससी के दीजिए, बिहार विभाग के दीजिए, बीपीएससी के दीजिए, रेलवे के दीजिए, कोई भी जनसन दीजिए, इस लेसन से दो से तीन क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको समझा दूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों जो आप होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। और पर्यावरण में देखिए प्रत्येक जो जीव जंतु है सबका क्या है? अपना इंपॉर्टेंस है। मनुष्य की एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण का क्षति हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो इसी पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग प्रयास किया गया और वही सब क्वेश्चन आते हैं। तो समझिए, सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो हमारा याद करना है, 1971 में रामसर में कन्वेंशन किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वेटलैंड से। क्या हो? वेटलैंड से, वेटलैंड से। इसी को बोलते हैं आद्र भूमि। क्या बोलते हैं? आद्र भूमि। तो बोले कि आद्र भूमि होता क्या? देखिए, जहां भी जलीय जगह को दिखाता है ना, नदी की बात करते हैं, तालाब की बात करते हैं, या धान के खेत वगैरह की बात करते हैं, गांव में पोखरा वगैरह की बात करते हैं, तो जो जलीय जगह होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेटलैंड। बोलते हैं आद्र भूमि, मतलब भीगा हुआ भूमि। तो उसको बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर में कन्वेंशन किया गया। इसी को बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन किया गया 1971 में, कोर्स में 75 में आया, इंडिया का ज्वाइन किया 1981 में ज्वाइन किया। तो बस इतने याद रखो। यहाँ दो क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? वेटलैंड से। एक और याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो आद्र भूमि से। देखिए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, आपको पता है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड। अब देखिए मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या अंतर होता है, इसके लिए ऑलरेडी लेसन बना दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा, आप देख लीजिए। चाहे प्लेलिस्ट है स्कोर बूस्टर, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो फिर चलते हैं। रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड का संबंध किससे है? वेटलैंड या आद्र भूमि के संरक्षण से। चलिए आगे आते हैं। फिर 1972 में क्या हुआ? स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया कि भाई पर्यावरण को बचाना है तो सब देश आइए और मीटिंग कीजिए, कैसे कैसे बचाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्टॉकहोम समिट कब किया गया था? 1972 में। स्टॉकहोम कहाँ पड़ता है? तो स्वीडन में पड़ता है। अगला देखिए, जब 1972 में यहाँ पर मीटिंग किया गया तो डेट था 5 जून। क्या दोस्तों था? 5 जून था, 5 जून। यह निर्णय लिया गया कि अब क्या करेंगे, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे 5 जून को। लेकिन याद रखना कि विश्व पर्यावरण दिवस पहला बार 1972 में नहीं मनाया गया, 2 साल बाद 1974 में मनाया गया। और सेम क्वेश्चन के अगर पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस पहले बार कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया। बात सुना गया। चलिए अब क्या कि फिर 1983 में एक कमीशन बनाया गया, इसका बोलते हैं वुडलैंड कमीशन। क्या बोला गया? वुडलैंड कमीशन। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर बेसिकली जब वुडलैंड कमीशन बनाया गया, इसका काम क्या था कि पर्यावरण की जो क्षति हो रहा है उसी के बारे में क्या करना? स्टडी करना। तो यहाँ से कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का कंसेप्ट जो है, परिकल्पना जो है, कहाँ से लिया गया है? तो वुडलैंड कमीशन से लिया गया। ये कब बनाया गया? 1983 में बनाया गया था। और इसका थीम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। जैसे कोई भी गांव मीटिंग वगैरह होता है तो उसका एक थीम चुना जाता है। आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब क्या समझिएगा? अमेरिका बोल रहा है कि हमारा अलग डायरेक्शन है, चाहे चीन बोल रहा है कि हमारा अलग डायरेक्शन है, कोई देश बोल रहा है कि हमारा अलग डायरेक्शन है, सबको बोला गया ठीक है आपका लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखिए फ्यूचर तो सबका हमारा समान है। क्योंकि अगर कहीं एक जगह क्या हुआ हो कि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं दूसरी जगह पाएगा। इसलिए बोला है कि हम लोग का सब क्या है, हमारा भविष्य क्या है, सबका साझा है। इसलिए इसको बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर बोलते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ से आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। यही क्वेश्चन के अगर पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? वुडलैंड कमीशन से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत विकास। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि सतत विकास का मतलब क्या होता है? सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सतत विकास का मतलब होता है ऐसी विकास की प्रक्रिया बनाएंगे कि हमारा तो पूर्ति हो ही, हमको जरूरत उसका पूर्ति हो, साथ ही हमारा बाल बच्चा के लिए संसाधन बचा रहे। अभी देखिए क्या है, मान लेते हैं कि हम पानी की जिस तरह से बर्बादी कर रहे हैं तो पानी तो भविष्य में खत्म हो जाएगा, कोयला की जिस तरह से बर्बादी कर रहे हैं कोयला तो भविष्य में खत्म हो जाएगा। तो ये बहु विकास जो कर सस्टेनेबल है, लंबा समय तक टिक सकता है? नहीं टिक सकता है। तो हमको विकास की ऐसी प्रक्रिया अपनाना है जो हमारी जरूरत को तो पूरा करे ही करे, साथ ही हमारा जो फ्यूचर में जनरेशन आएगा, हमारा जो बाल बच्चा पोता पोती आएगा, उस सब का पूर्ति हो जाए जरूरत, उसी को बोलते हैं सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या है कि कोयला से बिजली नहीं तैयार करना होगा, उसके लिए सोलर प्लेट वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ऐसा अलग अलग चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ में आ गया क्या बोलूं? वुडलैंड कमीशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, सतत विकास आया। सतत विकास मतलब क्या हो गया कि विकास की ऐसी प्रक्रिया
जिसमें क्या हो कि हमारा जरूरत पूरा हो, साथ ही हमारा भविष्य का जरूरत भी क्या हो, पूरा हो। चलिए आगे आते हैं। 1983 में क्या हुआ, वियना में कन्वेंशन किया गया। तो वियना में कन्वेंशन कहां किया गया बाबू? तो देखिए ओजोन परत को बचाने के लिए। ओजोन परत क्या होता है? तो देखिए ओजोन परत के ऊपर भी एक लेसर बना के डाला गया है, तो आप देख सकते हैं जाकर के अस्कोर बूस्टर प्लेलिस्ट में। समझे क्या है? एक पृथ्वी है, क्या है, वायुमंडल है, इसमें कई सारे लेयर है। एक नीचे क्षोभ मंडल है और यहाँ पर क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन गैस का एक लेयर है। ये लेयर क्या करता है कि जब सन से पराबैंगनी किरण आता है तो उससे हमको क्या करता है, बचाता है। तो यही जो ओजोन लेयर है यहाँ पर क्या हो गया, छेद हो गया। यही छेद को बंद करने के लिए क्या किया गया, आपका वियना में कन्वेंशन किया गया, मतलब ओजोन परत को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ कोई खास निष्कर्ष निकल के आया नहीं। तब क्या हो, 1987 में मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पड़ता है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में जगह पड़ता है। तो मॉन्ट्रियल में कन्वेंशन किया गया, इसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन लिया गया कि हम ओजोन परत को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे। तो समझिए यहाँ से यहाँ तक समझ लेते क्या। 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया बेटलैंड को बचाने के लिए। 1972 में स्टॉकहोम समिट किया गया और उस दिन निर्णय लिया गया कि 5 जून को मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। और पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1974 में। 1983 में वुडलैंड कमीशन बनाया गया, इसका थीम क्या था और कॉमन फ्यूचर। यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल करके आया, यहाँ से आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास है। फिर क्या हुआ, 1983 में ही ओजोन परत को बचाने के लिए वियना में कन्वेंशन किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। और बाबू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको फाइनल रूप दे दिया गया, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के संरक्षण से। और यही क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछा जाता है। चलिए आगे आते हैं। फिर क्या हुआ, पर्यावरण को बचाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर, ब्राजील एक देश है, ब्राजील के देश में रियो एक शहर है जिसको बोलते हैं रियो डी जेनेरो। क्या बोलते हैं, रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो में एक मीटिंग किया गया, मीटिंग को बोलते हैं रियो सम्मेलन या अर्थ समिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। तीन बाबू नाम यहाँ है, एक पूछेगा रियो सम्मेलन, एक बोलेगा पृथ्वी सम्मेलन, एक पूछेगा अर्थ समिट। तो कई बार तो कुछ ऐसे पूछा गया है कि अर्थ सम्मेलन कब हुआ है, 1992 में हुआ। कहाँ हुआ, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। सुनना क्या, चलिए। तो यहाँ पर देखिए कई सारा चीज निकल कर आया। तो यहाँ पर चार चीज के बारे में फोकस करना है। यहाँ पर देखिए क्या एजेंडा 21 आया, UNCBD आया, UNFCCC आया, UNCCD आया। अब क्या होता है बताते, देखिए थोड़ा सा एजेंडा 21 की बात करते हैं। 21वीं सदी में हमारा क्या एजेंडा रहेगा, कैसे कैसे हम विकास की रूपरेखा तय करेंगे, इसी को बोलते हैं एजेंडा 21 होते हैं। UN का मतलब सब जगह यूनाइटेड नेशन होता है। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, इसको भी याद करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमको जैव विविधता को क्या करना है, बचाना है। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और इसका मतलब क्या होता है, रेमपर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या करना है, बचाना है। तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन रेमपर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए एक और लेसन लाऊंगा, उसमें विश्व का जितना भी संस्था है, UNFCCC क्या हो गया, UNFCCC क्या हो गया, इसके ऊपर बढ़िया सा चर्चा करूंगा। फिलहाल समझ लीजिए, फुल फॉर्म खड़े जा लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऐसा फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो देखा जाए तो इसे समझना है जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से। एक इसे है जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज से, और एक इसे हो गया डिजर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं रेगिस्तान से संबंधित है। तो फिलहाल इतना भी याद रखिए। आगे आते हैं, 1997 में क्या हुआ, क्योटो। क्योटो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। तो क्योटो में क्या हुआ कि एक सम्मेलन बुलाया गया, ठीक ना, और यहाँ पर बुलाया कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी धूप उगल है तो धूप खत्म हो गया, एक या पल पल बदल रहा है, उसको बोलते हैं मौसम। नहीं कहना है कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, मतलब मौसम पल पल बदलता है। जलवायु का मतलब क्या होता है, 50 साल की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं, एवरेज देखते हैं कैसा वो चल रहा है, उसी को बोलते हैं जलवायु या क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं क्या, इंडिया में जून के महीना में क्या आता है, मानसून आता है, तो ये क्या हो गया, जलवायु हो गया। समझ में क्या, चलिए। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, अलग अलग गैसों का उत्सर्जन इत्यादि कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन के लिए इसे बहुत सारा गैस जिम्मेदार है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन क्या करना, कम करना। कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सोर्सों से निकल रहा है, उसको क्या करना, कम करना। तो 1997 में क्योटो में मीटिंग किया गया, ऐसे को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल।
और यहाँ क्या बोला गया कि हमको क्या करना है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको क्या करना है, उसको कम करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन क्या करना है, कम करना है। समझ में आया? दो चीज, कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट कहाँ से है, क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक्लेशन लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। चले आगे, अब जलवायु परिवर्तन से एक और समझौता किया गया है, पेरिस बोलते हैं, पेरिस समझौता क्या बोलते हैं, पेरिस समझौता, इसी को बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट, और ये किस समझौता है, जलवायु परिवर्तन से बात में आ गया। अब देखिए 2015 में पेरिस में ही मीटिंग किया गया और वहां से एक संस्था निकल गया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया। कितना प्यार कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ से पहले पढ़ देते हैं। 1971 में रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड समिट, स्टॉकहोम समिट, 20 पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, पर्यावरण 1983 में आया, भूटान कन्वेंशन यहाँ पर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्शन से। फिर वीना कन्वेंशन की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ये समझ है ओजोन परत के संरक्षण। फिर आते हैं रियो सम्मेलन, इसी को बोलते हैं अर्थ सम्मेलन, इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, और यहाँ से आया एजेंडा 20 बनाया, एक आया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किसे संबंध है, कार्बन के एमिशन से, कार्बन के एमिशन क्या करना है, कम करना। जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन संबंध है, यहाँ से कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। फिर पेरिस समझौता के संबंध है जलवायु परिवर्तन से, फिर क्या है कि पेरिस में समझौता किया जा रहा था, मीटिंग हो रहा था, तो 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम। पेरिस कहाँ है, तो पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। समझ आ गया? चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ आपको डेट वाइज जितना बताया गया ना, उस संसार आपको याद करने का प्रयास करना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे मैं प्रयास किया हूँ आपको बता दे। अब क्या है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर आपको डेट नहीं याद करना, बस कंट्री कहीं कहीं याद करना, वहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेना, इधर आपको डेट याद करना। चलिए यहाँ पर सबसे पहले सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा प्रबंधन से, और सेंडाई कहाँ है, जापान में, कहाँ है, जापान में। समझिए आपदा प्रबंधन होता क्या है, जैसे क्या होता है कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, मतलब कोई भी प्राकृतिक घटना या मानव निर्मित घटना, इसमें क्या होता है कि जान माल का अपार क्षति होता है, तो क्षति जो होता है उसे कैसे हमको बचना है, उसी के लिए मीटिंग किया गया कि कैसे हम उसको प्रबंध करना है ताकि क्षति कम से कम हो। बाढ़ आ गया तो क्षति कम से कम होना चाहिए, भूकंप आ गया तो हानि कम से कम होना चाहिए। आज के साल सेंडाई में एक मीटिंग किया गया, इसी को बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क, इसका संबंध है आपदा प्रबंधन, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टर मैनेजमेंट। समझना क्या, आगे आते हैं। अगला है बून कन्वेंशन, बून जगह कहाँ पड़ता है, तो बून जगह पड़ता है जर्मनी में। आप समझिए कि बून कन्वेंशन का संबंध क्या है, इसका संबंध है प्रवासी पक्षी से, किसे है, प्रवासी पक्षी से। प्रवासी पक्षी भाई क्या होता है, समझिए प्रवासी पक्षी क्या होता है, हम जानते हैं क्या कि ये विश्व है, क्या है, विश्व है, तो चिड़िया क्या करता है कि यहाँ से पूरा घूमते घूमते विदेश में चला गया, फिर घूमते घूमते यहाँ चला गया, फिर घूमते घूमते यहाँ चला गया, फिर घूमते घूमते यहाँ चला गया। मतलब एक ही पक्षी क्या होता है, विश्व के अलग अलग भाव में क्या करता है, घूमता है। अब क्या है कि जब घूमता है तो रास्ते में कई बार क्या होता है कि मार दिया जाता है, या कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक घटना कुछ ऐसा घट जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो प्रयास ही करना है कि जो प्रवासी पक्षी है उसका जो रास्ता है उसको क्या करना, सही करना, और प्रवासी पक्षी को बचाना, तो प्रवासी पक्षी के लिए रास्ता तो सही करना पड़ेगा अपना। बून कन्वेंशन का संबंध किससे है, प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी स्पीशीज से, तो याद रखिएगा। अगला बेसेल कन्वेंशन है और बेसेल लॉ है, देखिए दोनों एक जैसा नाम है और दोनों क्या है, एक ही जगह है, मतलब दोनों शहर क्या एक ही है, लेकिन कन्वेंशन एक क्या है, नॉर्म्स है, और दोनों क्वेश्चन बाबू क्या है, यूपीएससी में पूछा गया है। बेसेल लॉ तो दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समझिए क्या है बेसेल कन्वेंशन की बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, कई सारा खतरनाक अवशिष्ट होता है, जैसे हम लोग बहुत सारा सामान यूज करते हैं, माने की बोतल है, बोतल क्या हो गया, खराब हो गया, बोतल क्या हो गया, खराब हो गया, इसको क्या करते हैं, बिक देते हैं। कंप्यूटर बैग रहा उसको क्या करते हैं, बिक देते हैं, तो वो अवशिष्ट बन जाता है, क्या होता है, वेस्ट बन जाता है, और उससे क्या होता है, अलग अलग हानिकारक सब्सटेंस क्या होता है निकलता, अलग अलग गैस वगैरह निकलता है, तो उसी को क्या करना है बाबू, रोकना है। मतलब क्या है कि खतरनाक अवशिष्ट को क्या करना है, रोकना है। विकसित देश करता क्या है कि मान लेते बाबू मोबाइल है, तो उसके यहाँ मोबाइल खराब हो गया, तो आप लोग देखते हैं कि ऑप्शन देता है अमेज़न वगैरह, मोबाइल खराब हो गया ना तो मोबाइल को दोबारा लौटा सकते हैं, तो लौटा दीजिएगा, तो क्या करता है कि समानता क्या करते हैं, हमारे देश में बेच देता है, या गरीब देश में ले जाकर क्या करता है, बेचता है। अब वहां पर जब खराब हो जाएगा, पहले आपके यहाँ 3 साल यूज हो गया, और उसके बाद क्या कीजिए, कहीं जाकर दूसरे देश में दे देगा, तो वहां देख से यूज करेगा, और जब खराब हो जाएगा तो ले जाकर वहीं अपना बिक देगा, और जब बिक देगा तो इसमें बहुत सारा क्या होता है, चीजें निकलेगा खतरनाक चीज, जो वहां के आदमी क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा।
तो इसी को क्या करना, रोकना है। इसी को बोलते हैं हजार्डस बेस्ट। बेस्ट इसी को क्या बोलते हैं, हजार्डस बेस्ट। तो बेसिल कन्वेंशन का संबंध है खतरनाक अवशेष से, जबकि पूछेगा बेसिल नॉर्म्स का इससे क्या है, बैकिंग से। किसे है, बैकिंग से। दोनों में कंफ्यूजन है, बेसिल कन्वेंशन तो खतरनाक अवशेष है, अब बेसिल नॉर्म पूछेगा तो बैकिंग। देखिए क्या है, जैसे बैंक क्या होता है ना कि बैंक क्या करता है, जनता से पैसा लेता है और लोग को लोन देता है। कई बार बिजनेस में क्या करता है, पैसा लेकर भाग जाता है। हमारे यहाँ विजय वाले जैसा आदमी होता है, नीरव मोदी जैसा आदमी पैदा होता है, भाग जाता है यहाँ से। तो बैंक को घाटा लग गया हो ना, तो देखिए बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर मान लेते कोई पैसा लेकर भाग गया तो सस्टेन अपने आप को कर सके। तो यही पर यहाँ पर क्या होता है, बोला जाता है कि देखिए आपको क्या करना है कि सीआर कैपिटल एडिक्वेट रेशियो, मतलब बैंक को बोला गया कि जितना कर्ज लगाते हैं ना उसका कुछ परसेंट आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई पैसा लेकर भाग जाए तो बैंक घाटा में ना चले और बैंक का जब वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन वो चलता रहे। इसी को बोलते हैं बेसिल नॉर्म्स, बैंकिंग से संबंधित है। समझ में आ गया, आगे आ गया। अगला वो रोटर डाउन कन्वेंशन है, यह खतरनाक रसायन से। अब क्या है कि एक देश से दूसरे देश में क्या होता है कि जब हम केमिकल को भेजते हैं और सेफ तरीके से हैंडलिंग नहीं किया जाएगा तो बड़ा मानव जीवन पर खतरा पैदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम अमेरिका हैं, आप इंडिया हैं, तो हम क्या है केमिकल क्या कि आपके यहाँ भेज रहे हैं, तो आपके यहाँ उसको बाबू सही तरीके से हैंडलिंग करने का व्यवस्था होना चाहिए। तो हम क्या करें, आपको सही तरीके से देंगे ताकि सही तरीके से जो आपको काम हो आप कर सके। तो खतरनाक रसायन समझ किसका है, रोटरडॉन कन्वेंशन। अब आते हैं हम फिर से जापान में है बाबू सेंडाई, आपदा प्रबंधन संबंध है। बुन कन्वेंशन प्रवासी पचित संबंध है बाबू। बेसिल कन्वेंशन बाबू खतरनाक अवशेष संबंध है बाबू। आप बेसिल नॉन किससे है, बैकिंग से। ये दोनों शहर कहाँ है बाबू, दोनों शहर है स्विट्जरलैंड। चलिए आगे आते हैं, रोटरडॉन कन्वेंशन बाबू यह खतरनाक रसायन से। अगला आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखिए एक यहाँ है बाबू स्टॉकहोम समिट है, ठीक ना, और ये यहाँ पर बाबू स्टॉकहोम कन्वेंशन तो है स्वीडन में। देखिए ये दोनों को बोले स्विट्जरलैंड में, कहाँ बोले स्विट्जरलैंड में, आई कहाँ स्वीडन में। तो ये किससे संबंधित है बाबू, तो पीओपी। पीओपी क्या होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देखिए क्या कुछ ऐसा बहुत प्रदूषक होता है, पॉल्यूटेंट होता है जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और मानव जीवन क्या करता है, हानि पहुंचाता है, उसी को बोलते हैं पीओपी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, जो आप खेत वगैरह में छींटा जाता है फसल वगैरह पर। तो लंबे समय तक क्या होता है कि पर्यावरण वगैरह में रहता है और मानव जीवन क्या करता है, हानि पहुंचाता है, खून चलने प्रवेश कर जाता है, हम मानव को अनेक तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो पूछेगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है, ऐसा पॉल्यूटेंट या ऐसा प्रदूषक जो वातावरण में लंबे समय तक रहता है और मानव जीवन को हानि पहुंचाता है। ठीक है बाबू, आगे आते हैं। अगला है कार्थेना प्रोटोकॉल। कार्थेना प्रोटोकॉल का संबंध है बायोसेफ्टी से। क्या बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा से। कार्थेना कहां जगह है बाबू, तो कार्थेना कनाडा में, कब से कनाडा और कब से कार्थेना। अब समझिए बाबू बायोसेफ्टी होता क्या, हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या आजकल हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले नेनुआ एहतियात होता था, आजकल नेनुआ एहतियात हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि सरवा का कद्दू लेकर आ रहे हैं कि नेनुआ लेकर आ रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि उसके जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जीन में परिवर्तन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई इसी चीज के फसल को आप जीन में परिवर्तन कर रहे हैं तो हो सकता है उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले मानव जीवन पर। मान लेते हैं कि बैगन खाते हैं बाबू, जैसे बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा, कपास की बात करते हैं बीटी कॉटन आ गया, कपड़ा का उत्पादन बढ़ गया, मतलब कपास का उत्पादन बढ़ गया। उस तरह से क्या होता है कि बीटी ब्रिंजल होता है, बैगन को भी क्या किया गया, जीन को परिवर्तन कर दिया गया ताकि ज्यादा ज्यादा क्या हो, बैगन पैदा हो। लेकिन जब आदमी खाने लगा तो पूरा खुली खुशी होने लगा, मतलब क्या है कि मानव जीवन को सर निगेटिव इफेक्ट दिखाई देने लगा। तो वही निगेटिव इफेक्ट को क्या करना, कम करना है। तो यहाँ पर बोले क्या कि बायो कार्थेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बायोसेफ्टी से। ये पड़ता कहाँ वो कार्थेना, ये पड़ता है कनाडा। अगला नगोया प्रोटोकॉल। नगोया जगह है जापान में, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल वितरण होना चाहिए। समझे क्या, जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पुराना समय के बिच्छा काट देता था, सांप काट देता था, तो वो बाबा कहीं से बाबा ऊपर से जो है जड़ी बूटी लेकर काटता था, संभालता था, सही रहता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारा कंपनी पे अगर आता है और जो जानता है उसी को क्या करता है, पेटेंट करवा लेता है। समझे, इंडिया में इंडिया के जड़ी बूटी क्या क्या पेटेंट करवा लिया। अब हमारे इंडिया में बाबू हमारे दादा बाबू लंबा समय से उसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब वो पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवा लिया बाबू तो हमारे पापा मम्मी को तो फायदा मिलेगा नहीं, सब तो फायदा वो खाली कमाएगा। तो यहीं पर बोला गया कि देखिए बाबू जो भी जेनेटिक रिसोर्स का जो भी जेनेटिक रिसोर्स खोजा जाएगा ना, उसको जो बाबू देश जहाँ से खोजा गया उसको भी मिलना चाहिए,
मतलब सब देश को मिलना चाहिए। उसका फायदा जो है बेसिकली बोला गया कि जेनेटिक रिसोर्स जो भी उत्पादन करेंगे उसका फायदा सबको होना चाहिए, नहीं कि आपको मिलेगा गरीब को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। जहां से आप लाए वहां से भी मिलेगा और जहां आप ले जाइएगा वहां भी मिलेगा। जो गरीब है जहां भी भेजना है मतलब सब जगह क्या करना, जेनेटिक रिसोर्स को भेजना है। तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध हो गया जो जेनेटिक रिसोर्स होगा उसका वो समान रूप से क्या करना, वितरण करना। समझना कि अगला आता है एजी टारगेट की बात करते हैं इसको। ये चीज जगह आपको क्या है, जापान में, कहा जापान में। और इसका संबंध है बायोडाइवर्सिटी। क्या बाबू? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है, देखिए जब किसी जगह पर जीव जंतु की संख्या बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाए उसी को बोलते हैं जैव विविधता। अब देखिए पृथ्वी पर जितना ज्यादा जीव जंतु रहेगा उतना ही पृथ्वी के लिए क्या बाबू अच्छा है। तो यही जैव विविधता को क्या करना है, बचाना है। तो यही पर एक टारगेट दिया गया कि हम इतना 2020 तक इतना इतना जैव विविधता को बचा लेना है। लेकिन टारगेट क्या से पूरा हुआ नहीं। तो बस याद रखना है कि एजी टारगेट संबंधित है जैव विविधता से। तो समझ में आ गया दोस्त। एक बार क्या करते हैं जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन से खतर में क्या गया, इसका संबंध किसे बाबू, वेटलैंड से। और क्या आया, मॉन्ट्रियल अकॉर्ड आया बाबू। रामसर कहां जगह पर था, ईरान में। अगला बाबू स्टॉकहोम समिट किया गया 1972 में। यहाँ पर निर्णय लिया गया कि 5 जून को मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। ये स्टॉकहोम जगह कहाँ पर था, स्वीडन में पड़ता। अगला बाबू 1974 में पहला बार क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1983 में वुडलैंड कमीशन लाया जाता है। ऐसा थीम क्या होता है, आवर कॉमन फ्यूचर। और यहाँ से क्या निकल कर आता है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट। अगला बाबू क्या होता है, 1983 में वियना में कन्वेंशन किया जाता है ओजोन परत को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ खास निष्कर्ष निकलता नहीं। तो 1987 में क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाता है जिसका संबंध किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से। अगला आते हैं 1992 में क्या किया गया, ब्राजील के साथ रियो में सम्मेलन किया गया, इसको रियो समिट बोलते हैं और समिट बोलते हैं, इसी को पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं बाबू। यहाँ पर क्या है, एजेंडा 20 बनाया, यूएनसीबीडी का संबंध किससे बाबू, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता से। इसका किससे संबंध है बाबू, यूएनसीबीडी का, इसका जलवायु परिवर्तन से। यूएनसीबीडी का संबंध किससे बाबू, तो यहाँ रेगिस्तान है या डेजर्टिफिकेशन से। अगला 1997 में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर बोला गया कार्बन को सहन क्या करना, कम से कम करना। इसका संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से। यहाँ पर क्या कंसेप्ट है बाबू, कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट। फिर क्या हुआ कि पेरिस समझौता का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से है। और 2015 में पेरिस में सम्मेलन किया गया, तो वहां पर आया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आज क्या मुख्यालय भारत में है, ग्रुप। अगला आते हैं बाबू, यहाँ पर बोल रहा हूँ सेंडाई फ्रेमवर्क। इसका संबंध किससे, आपदा प्रबंधन या बाबू डाइजेस्टर मैनेजमेंट। सेंडाई कहाँ जगह पर था, वो जगह पर था आपका जापान में। बुन कन्वेंशन का संबंध किससे बाबू, प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी और बर्ड से संबंध। बुन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में। बेसेल कन्वेंशन का संबंध किससे है, खतरनाक अवशिष्ट बाबू, हजारों अवशिष्ट बाबू। और बेसेल लॉन का संबंध किससे है, बैकिंग से बाबू, ठीक है। और बेसेल दोनों जगह कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। अगला बाबू रोटरडम कन्वेंशन की बात करते हैं, खतरनाक रसायन, रस है रोटरडम, रस है रसायन, खतरनाक रसायन से। स्टॉकहोम कन्वेंशन का संबंध किससे है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स। अगला बाबू कार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध बायो सेफ्टी या जैव सुरक्षा से बाबू। और नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जेनेटिक रिसोर्स के इक्विटेबल वितरण से बाबू। अगला बाबू एची टारगेट का संबंध किससे है, विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से। और एची कहा हो, जापान। इसको एक दो बार ले सकते, देखिए दोस्त जहां भी आप एग्जाम देने जाइएगा मान लीजिए एक दो क्वेश्चन पक्का आना ही आना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।